अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा जी, आज तकरीबन एक हफ्ते बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, मेरी आवाज़ अभी भी नहीं निकल रही। इतना शदीद किस्म का गला ख़राब था, साथ बुखार था, तो वीडियो ना कोई बनाई ना कोई अपलोड हुई। तो मैंने कहा चले आज तबीयत थोड़ी सी बेहतर है तो वीडियो बनाते हैं, व्लॉग शुरू करते हैं। तो चले जी। अच्छा जी, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया था कि मेरी पीछे वाली जो अलमारी जो मैंने बनवाई थी उसको, उसके बैक साइड पे सिल्क लगी, वाइट वाइट कलर के छोटे छोटे कीड़े निकलते थे। तो मैंने तो पहले नोट नहीं किया, मैंने कहा शायद सीम की वजह से ऐसे होगा। तो वो फूली फूली मुझे लग रही थी, तो मैंने दिखाया भी था। तो वो जिस भाई ने अलमारी बनाई थी उसके पास टाइम नहीं था, तो मुझे इतनी टेंशन थी कि ये जो सेंक होती है ना वाइट कलर के कीड़े, ये घर में एक दफ़ा लग जाए ना, फिर कोशिश उनकी भी कोशिश होती है कि सारे घर को लग जाती है। वो मुझे ये था कि साथ में वॉशरूम है, दरवाज़ा है, उनको ना लग जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ठीक है, आज वो भाई आया हुआ है, ठीक कर रहा है। तो वो मैं आपको उधर नहीं दिखाऊँगी, वो अब्दुलवास से दिखाएगा। तो मैं आज पूरे हफ्ते बाद तो, मतलब किचन में जाऊंगी, खाना बनाऊंगी। बेटी ही नाश्ता भी बना रही थी, दोपहर का भी कर रही थी, जैसे भी कर रही थी बेटी ही कर रही थी। तो मुझे ये था कि बच्चों के होते होते वो मेरा काम हो जाए, फिर मैं अकेली होंगी, अब्दुलवासी के भी स्कूल खुल जाने हैं। तो आज वो भाई आया हुआ है, अब्दुलवासी आपको वो दिखाएगा, और मैं किचन में जा रही हूँ। किचन में आज मेरा इतना दिल कर रहा था कि आज मैं करेले गोश्त बनाऊँ। तो चले पक्की कर ली थी इसी ने पीछे। अच्छा, पेच भी खोल दिया तब भी नहीं नीचे आ रही थी, तब इसके पीछे शीट भी गई। आप प्लास्टिक शीट लगाएंगे ना, ये उतार देंगे सारे। अब अलमारी के पीछे बहुत अलमारी साइड पे हो गई है। अंकल जी दो मिनट पीछे थी। एक मिनट यार, मैं दवाई मारूं ताकि जो कीड़ा नीचे गिरे ना। अच्छा अच्छा, वो फिर दूसरी तरफ ना जाए, इधर ही मर जाएगा जल्दी। वो जल्दी तो मारा है। बहुत ही ज्यादा दीवार खराब हो गई है, अलमारी तो पीछे तो सारी लकड़ी गायब हो गई। अब इसके पीछे वो लकड़ी वो लगेगी शीट, प्लास्टिक शीट लगेगी, वो सफेद कलर की जो आएगी। अलमारी के पीछे लगेगी टूटी ना, पर ये शीट लगेगी जो उसके अलमारी के पीछे। कल ही मट्टी नहीं करी है काफी ज्यादा, दो बाल्टी निकाल दी, तीसरी बाल्टी यह भर रहे। पत्नी कहाँ से आपने इनको मट्टी ला के दी थी? हमने तो नहीं ला के दी थी, ये नीचे जो डाली है फिर यही इन्होंने इकट्ठी की है, ये टाल के नीचे से। दरअसल ये यहाँ पे खाती है ना, यहीं पे ये करते रहते हैं। चले जी, मिस्त्री चले गए, मैं किचन में थी। और ये देखिए अलमारी के अंदर से। अच्छा चले कोई बात नहीं, नहीं पता चला। हाँ। और नहीं। अच्छा चलो, दूसरे कमरे में भाई ऊपर, मुझे लगता मोटर चला लिया उसने। अच्छा जी, ये देखे अलमारी हो गई है ठीक हमारी, मैं बहुत परेशान थी अलमारी की वजह से। देखिए ये जो शीट पीछे लगी है, बैक साइड पे जो लगी है, ये प्लास्टर की लगवा ली है। अब कोई इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ना ये पानी के साथ फूलेगी। मैंने बस ये वाला, ये देखिए ये सारी दीवार दीमक लगी हुई थी। और ये देखिए ये जो खाने हैं ना, जितने मर्जी घर में दराज हो, जूते पता नहीं हर घर का यही मसला है कि जूते कहाँ रखे। ये देखिए जी खा लो, ये देखिए ये जूते सारा कुछ निकाल के ये रखा। आज संडे था, मशीन लगाई हुई थी, तो मैं रात को कहती होती हूँ कि यासिन की जो बनानी होती है ना वो नीचे ले आया करो। और
पता नहीं, ये देखें जी बखेरे बिखरे हुए हैं। खाना बना रही थी तो अब मैं इसको उठाओ ना, इसको क्यों उल्टा करके रखा हुआ है। गर्म उठ गया। ये सारा अलमारी के बीच था जी, सारा सामान। क्यों इस अलमारी में मैं रखती हूँ बेडशीटें रखती हूँ, जो मतलब कपड़े होते हैं फालतू में, अक्सर डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं वो मैं इधर रखती हूँ। ना करो, मैं रखती हूँ अभी, बोला नहीं जा रहा। ओ चले, अब अलमारी में सारी चीज़ें रखती हूँ। अब दरवाजे को रिमोट नहीं मिल रहा, उसको मुसीबत आई हुई है। किधर है यार? ये आप पीरा बेने सारे डस्टिंग वाले कपड़े निकाल। ये देखे जी, खाने में बन रहा है चिकन और करेले, यानी कि करेले गोश्त बन रहा है। और गले में अभी भी दर्द है, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। वीडियो को पूरा देखा करें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करें। और ये देखे जी, इधर मैंने करेले काट के फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए, छोटे छोटे काट के मैंने फ्राई कर लिए हैं। खाना थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि वो काम हो रहा था इस वजह से। इधर करो आगे ज़रा, ये देखिए ऑयल ज़्यादा लग रहा है, मैं वो ऑयल जो है ना उतार लूँगी ऊपर से, क्योंकि इसके अंदर भी ऑयल है। ये देखिए, इसको मैंने डाल दिया इसमें, क्योंकि अभी मेरा काम बहुत ज़्यादा है। जल्दी से मैंने कहा, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ तो अभी भी तबीयत बस कुछ ऐसी है, लेकिन हिम्मत करके मैंने कहा नहीं, आज तो मैंने खुद खाना बनाना है। बेटी बना रही थी उस दिन से, तो उस दिन की बेटी ही बना रही थी खाना, सालन भी बना रही थी, रोटियां भी जैसे बनती थी बना लेती थी। और मैं फिर खुद भी कहती थी चले अच्छी बात है, जैसे भी बनाए हम खा लेंगे। तो अब डाल दी मैंने कसूरी मेथी, कसूरी मेथी डाल के तो अब मैं इस सालन को दूंगी दम। ऑयल ज़्यादा मुझे लग रहा है क्योंकि करेलों में भी ऑयल था, तो ऑयल मैंने उतार लूँगी। ठीक है, चले जी आप खाते हैं खाना। तो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, काम करने वाला जो बंदा होता है ना वो नहीं बैठ सकता। तो अल्लाह ताला सबको सेहत दे। तो इधर ही वीडियो को करते हैं एंड, लेते हैं आपसे इजाज़त। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। दुआ मच याद रखो, अल्लाह हाफिज़।